या तो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे गेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। ओके, सो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल नेम स्पेस के बारे में। अभी क्या किया है ना जावास्क्रिप्ट ने, अब एक इंटरनेशनल नेम स्पेस है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमको मेथड्स प्रोवाइड कर दिए हैं टू फॉर्मेट डेट, नंबर एंड कलेक्शंस। ओके, सो एक ये जैसे INTL डॉट, जैसे डेट टाइम फॉर्मेट हो गया, तो ये क्या करता है ना, एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर आवर इनपुट, ये अपने को डेट फॉर्मेट उस टाइप से दे सकता है। लाइक हम लोकेल बता सकते हैं, जैसे लोकेल क्या होती है, ब्राउजर की खुद की लोकेल होती है, मीन्स एवरी ब्राउजर की लोकेल होती है, जैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या लोकेल सेट है। ओके, आप प्रेफरेंसेस में जाके सेट कर सकते हो। और ये डेट फॉर्मेट को अगेन फॉर्मेट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड फॉर फॉर डैट वी डोंट नीड टू थर्ड पार्टी, भी हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले हम मूवमेंट JS और एक ये डेट FNG करके एक लाइब्रेरी है, इनका यूज करते थे फॉर्मेटिंग करने के लिए डेट को, मीन जिस टाइप से हमको फॉर्मेट चाहिए, जिस टाइप से हमको टाइम जोन के हिसाब से और लोकेल के हिसाब से, तो हमको ये लाइब्रेरी का यूज करना होता था। बट अभी क्या हुआ, अभी इन मीन्स इंक्लूडेड हो गया ये ऑटोमेटिकली, तो हमको कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो एक नेम स्पेस हो गया, उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हो गए जो लाइक डेट, नंबर, कलेक्शन के लिए। ओके, सो हम उसमें टाइम जोन दे सकते हैं, हम उसमें लोकेल दे सकते हैं। ओके, एंड फिर डिफरेंट टाइप्स के हमको ऑप्शंस होते हैं, अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया तो अगेन वो डिफॉल्ट ऑप्शन चूज कर लेगा, अगर आप जो हमने दिया है उस हिसाब से वो काम करेगा। अगर आपको देखना है कि ब्राउजर का अभी हमारी करंट लोकेल क्या सेट है, तो हम देख सकते हैं नेविगेटर डॉट नेम डॉट लैंग्वेज। सो ये देखो मेरा है ENUS करके, आप अपना खुद कर देख सकते हो, इस हिसाब से ये फॉर्मेट करेगा डेट को। सो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेट होगी। ओके, तो अब जैसे हमारे पास एक आज की डेट ले लेते हैं, न्यू डेट। ओके, सो अब मेरे को फॉर्मेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, हमको एक 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 कंस्ट्रक्टर के थ्रू मींस डॉट डेट टाइम फॉर्मेट, तो इसमें हम देते हैं कि लोकेल क्या है। ये देखो ये एक्सेप्ट क्या क्या करता है, ये देखो लोकेल एंड ऑप्शन, इसके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ये हम देख सकते हैं वन बाय वन हम देखने वाले। ओके, सो इसमें जैसे हम दे देंगे ENUS जो हमारा डिफॉल्ट है, सॉरी इट शुड बी करेक्ट। ओके, एंड फिर अब हमको फॉर्मेट करना है। ओके, फॉर्मेट फॉर्मेट, और क्यों कौन सी डेट फॉर्मेट करनी है, आज की जो हमने अभी किया, कंसोल डॉट लॉग करो। ये देखो इसने एज पर लोकेल को डेट को, जैसे हमारे जो ENUS की फॉर्मेट ये होता है। ओके, अब मैं आज जैसे इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, इसका जैसे लोकेल चेंज कर देता हूँ। ओके, PT-BR, तो देखो फॉर्मेट डेट का फॉर्मेट भी चेंज हो गया। ओके, सो और तो बहुत सारे डेट वो लाइक लोकेल रहते हैं, जैसे हम गूगल भी कर सकते हैं क्विकली, लोकेल जावास्क्रिप्ट। तो जैसे हमने क्या किया, जैसे हम लोकेल चेक करें जावास्क्रिप्ट में, देखो बहुत सारे लोकेल होते हैं, चाहे KO, जैसे KO ट्राई करते हैं। ये देखो डेट फॉर्मेट चेंज हो गया एज पर लोकेल, सो इतना पावरफुल है। मीन्स हमको इसके लिए पहले अब क्या करते थे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करते थे, अब बट अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक और बेनिफिट है इसमें, जैसे
हम क्या कर सकते हैं ना, एरे में दे सकते हैं, जैसे मैं इसको चेंज गलत कर देता हूँ, ओके। सो हम एरे ऑफ लोकेल भी दे सकते हैं, ओके। अब हमने देख लिया लोकेल क्या, और अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन प्रोवाइड करके, ओके। तो इसको हम पहले चेंज कर देते हैं यूएस में, ओके। अब हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ईयर, ईयर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ओके। जैसे 2 डिजिट का होना चाहिए, एंड मंथ क्या होना चाहिए, जैसे मंथ में सॉर्ट कर देता हूँ, मीन से ऑप्शन चाहिए, एंड डे क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक, एंड ये ऑप्शंस क्या करते हैं, सेकंड पैरा में सेट करता है ये। तो जो हम इसको ऑप्शंस देंगे ना, उस टाइप से फॉर्मेट करेगा। क्या एरर दे रहा है ये, ऑप्शंस एंड ये ओके, इसको चल मैं 2 डिजिट करता हूँ। देखो हो गया, तो ईयर में मेरा 2 डिजिट रहेगा, मंथ एंड डे, तो इस टाइप से इसने दे दिया। जैसे मंथ रहेगा शॉर्ट में है, तो इसलिए उसने शॉर्ट लिया, AUG। ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यू है हर ऑप्शंस की। जैसे ऑप्शन हो गए, डेट स्टाइल करेगा, टाइम स्टाइल करेगा, कैलेंडर करेगा, ओके। जैसे टाइम जोन का मैं बताने वाला हूँ आपको, फॉर्मेटेड, जैसे वीक डे, ईयर, ईयर में न्यूमेरिक और 2 डिजिट होता है, जैसे मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके देखते हैं। ओके ये देखो न्यूमेरिक में, तो इस टाइप से हम वैल्यू को चेंज, जैसे जो भी आप ये ऑप्शन दोगे ना, उस हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। अब हम टाइम जोन का देखते हैं, ओके। टाइम जोन, तो टाइम जोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम जोन होता है, ओके। तो टाइम जोन की वैल्यू आपको एशिया सिंगाई, ओके। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को टाइम और ईयर भी सेट करना पड़ेगा, आवर एंड मिनट, और ऑप्शन देता हूँ मैं, आवर किस फॉर्मेट में रहेंगे मेरे, न्यूमेरिक, ओके। सेकेंड भी न्यूमेरिक में रहेंगे, ओके। ये देखो सबसे प्रिंट कर रहा है, न्यूमेरिक में ना लेके मैं 2 2 डिजिट में लेता हूँ, चेंज कर रहा है। तो आप इस टाइप से ना, इसमें वैल्यूज लाइक जो भी आप ऑप्शन प्रोवाइड करोगे, उस टाइप से डेट फॉर्मेट करेगा आपके लिए, ओके। उस हिसाब से लोकेल प्रोवाइड करो, उस हिसाब से ऑप्शन प्रोवाइड करो, उस हिसाब से आपको ये डेट दे देगा। तो इतना पावरफुल है ये सब चीजें ना, हम पहले थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हेल्प से करते थे, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी उन्होंने डिफॉल्ट दे दिया आपको। सो ये हो गया। अब हम देखेंगे नंबर फॉर्मेट, कि नंबर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हमने डेट देख लिया, अब हम देखने वाले नंबर फॉर्मेट। अगेन वही ले लो, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉट नंबर फॉर्मेट, अगेन इसमें लोकेल प्रोवाइड कर दो, एंड फॉर्मेट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कोई भी नंबर आपको,
एंड कंसोल डॉट लॉग ये देखो इसने एज पर दिस लोकेल को ये लोकेल लेता है इससे और ऑप्शंस रहते हैं आगे ओके सो अब जैसे मैं इस लोकेल को चेंज करके ये वाली लोकेल करता हूँ तो ये देखो पहले कोमा के साथ सेपरेटेड था डॉट के साथ सेपरेटेड हो गए ये लोकल के हिसाब से ये फॉर्मेटिंग कर रहा है ओके सो अब इसमें ऑप्शंस भी रहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था अभी तो ऑप्शंस क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ऑप्शन करेंसी लाइक नंबर अब स्टाइल क्या रहेगा स्टाइल जैसे एक करेंसी है मेरी करेंसी ओके एंड करेंसी जैसे अब मेरी करेंसी कौन सी रहेगी जैसे USD इसमें आप ये ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करो देखोगे ना चेंज कर देगा देखो डॉलर में आ गया राइट अब मैं इस करेंसी को जैसे ये वाली चेंज कर देता हूँ तो ये अब देखो ये अलग उसमें आ गया समझ रहे हो तो एज पर ऑप्शंस ये नंबर्स को चेंज कर देता है तो जैसे मोस्टली हमको कोई करेंसी दिखानी है हमको कोई अमाउंट दिखाना है तो हम इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं लाइक इस मेथड का यूज कर सकते हैं ओके कोई नंबर फॉर्मेट में दिखाना है तो तब हम इस चीज का यूज कर सकते हैं के बाद हम देखने वाले हैं कि रिलेटिव टाइम फॉर्मेट क्या होता है रिलेटिव टाइम फॉर्मेट ओके रिलेटिव टाइम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं ताकि यूजर को इजीली समझ आए वो चीजें ओके अगेन वही एक ऑब्जेक्ट बनाओ पहले अगेन रिलेटिव टाइप फॉर्मेट हो गया एंड इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे अगेन एंड फॉर्मेट शो करना है जैसे मेरे को कोई अब कंसोल डॉट लॉग लगा कर इन 10 सेकेंड आ गया तो मीन्स ये फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं ओके तो लोकेल हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस टाइप से रहता है मीन्स इन शॉर्ट जो आप जिस हिसाब से ये इसके भी अगेन ऑप्शंस होते हैं लोकेल ये एक्सेप्ट करता है उस हिसाब से ये फॉर्मेट कर देता है ओके तो आप देख रहे हो इन 10 सेकेंड अगर मैं इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो 10 सेकेंड आएगा वो मीन्स ये खुद से चेंज कर रहा है ओके अब ये मैंने सेकेंड लिया था यहाँ पर मैं मंथ कर देता हूँ 10 मंथ है वो ओके अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ तो इन 10 मंथ्स तो देख रहे हो ये फॉर्मेटिंग कर रहा है मीन्स तो इससे क्या होता है ना ये UI पे जब हमको शो करनी होती है बहुत सारी चीज़ें तो तब हम इस चीज़ का यूज करते हैं ओके एंड आप यहाँ पर भी देख सकते हो रिलेटिव टाइप फॉर्मेट में ओके ये ऑप्शंस हैं इनके बहुत सारे आप ये खुद से ट्राई करके देखो ओके जैसे न्यूमेरिक स्टाइल क्या रहेगा ओके तो 1 डे आपको इन 1 डेज तो इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो ये सब चीज़ें ना जो इंटरनेशनल इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया ना ये वाला ये फॉर्मेट करने के लिए बनाया है एज पर इंटरनेट पे एक इंटरनेशनलाइजेशन API प्रोवाइड कर दिया है जो सभी प्लेस पे सेम जैसा प्रोवाइड सभी प्लेस पे सेम रहेगा अदरवाइज हम इससे पहले क्या करते थे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज़ करते थे बट अब हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ओके जैसे डेट टाइम फॉर्मेट हो गया सेम जैसे अब लिस्ट के लिए आप देख सकते हो तो लिस्ट क्या करता है ना मल्टीपल्स स्ट्रिंग लेते हैं ओके एंड फिर उसको कंबाइन कर देता है जैसे ये 3 स्ट्रिंग ले रहा है और इसको फिर कंबाइन कर रहा है ये तो अब हम करके देखते हैं इसको
लिस्ट फॉर्मेट। ये ऑटो सजेशन में नहीं आ रहा, अगेन यूएस, सो एंड डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में जैसे हम ए ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग रहेगी राइट, बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं एंड कंट्रोल डॉट ब्लॉक करते हैं। ओके ए बी एंड सी, अब अपने को इसको एक और ऑप्शन देते हैं हम इसको, ये ऑप्शन एक्सेप्ट करता है क्या, टाइप टाइप क्या रहेगा इसका, जैसे मैं टाइप देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए बी और सी आ गया। ओके सो इस टाइप से जो जो हम इसको ऑप्शंस प्रोवाइड करते रहेंगे उस हिसाब से ही फॉर्मेटिंग करता रहेगा। तो ये सब है। अब गाइस ये भी मैंने आपको बता दिया है, अब आपको खुद से असाइनमेंट करनी है। ओके अब आप क्या करो, डिफरेंट टाइप्स के डेट लाइक डेट फॉर्मेट ट्राई करो, नंबर फॉर्मेट ट्राई करो। ओके तो इस टाइप से आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये ऐसे करते हैं। तो फिर इससे क्या होगा ना, ये अभी इसके लिए हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने की लोड नहीं है। फिर इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट का, अगर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो हम अनवांटेड जेएसपी यूज़ करते हैं राइट, जिसके हमको रिक्वायरमेंट है मतलब हमको इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट में, उससे बिल साइज बढ़ जाता है। बट अगर हम खुद के इंक्लूडेड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो यूज़ करेंगे तो फिर हमारा बिल साइज नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम ये ट्राई करते हैं ये हो जाए, अदरवाइज अगर ये हम इससे हम अचीव नहीं कर सकते फिर हम मूवमेंट जेएस का यूज करते हैं फॉर डेट टाइम फॉर्मेट और बहुत सारी लाइब्रेरी है इन सबको फॉर्मेट करने के लिए। तो थैंक्स गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियो। थैंक यू ऑल, बाय बाय।